दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने आज अमृतसर की कोर्ट में पेश होने से पहले आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को संबोधित किया। इस दौरान श्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पंजाब की जनता बोल रही है कि नशे का कारोबार सरदार बिक्रमजीत सिंह मजीठिया कर रहे हैं। सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। हम सब लोग जानते हैं कि पंजाब को बादलों ने, मजीठिया ने, बादलों की सरकार ने पूरी तरह से नशे को, आज पंजाब के घर घर के अंदर लोग नशा कर रहे हैं। पंजाब का हर घर नशे की वजह से दुखी है। मैंने कुछ दिन पहले लोगों ने कहा था कि मजीठिया नशे का धंधा करता है। मजीठिया साहब ने मेरे ऊपर ये डिफेमेशन का केस करा है। उन्होंने कहा है कि मैंने उनकी मान हानि की है। मैं तो ये सोच रहा हूँ उनकी हिम्मत कैसे हुई उनकी। उन्होंने पूरे पंजाब को नशे में डुबो दिया और अब जब जनता कहती है कि मजीठिया नशे का धंधा करता है तो वो हमारे ऊपर पर्चे करके केस करके डराना चाहता है। दोस्तों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, पंजाब के अंदर नशे का धंधा कौन करता है? पंजाब के अंदर नशे का धंधा कौन करता है? पंजाब का बच्चा बच्चा कह रहा है कि मजीठिया नशे का धंधा करता है। मुझे पता चला है पूरे पंजाब के अंदर हर चौराहे के ऊपर पिछले कुछ दिनों में होर्डिंग लगे हैं और लोग कह रहे हैं मैं एक बार नहीं हजार बार कहूंगा नशे का धंधा करता है। मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, भगवान ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, लेकिन एक आम आदमी के ऊपर जब मैं चीटिया पर्चे करता है तो उसका तो बेचारा पूरा घर बर्बाद हो जाता है। दफ्तरों के चक्कर काटते काटते, अदालतों के चक्कर काटते काटते, जब झूठे पर्चे करता है मजीठिया तो लोगों को जेल भेजता है, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं मजीठिया को, मजीठिया साहब, हम आपके इन पर्चों से डरने वाले नहीं है। Yeah, I'm gonna go.